हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं देहली आवृत्ति की परिभाषा और देहली तरंग दैर्ध्य की परिभाषा, जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टरों से छोटी छोटी परिभाषाएं पूछी जाती हैं। जैसा कि मैंने पहली वीडियो पे आपको बता चुका हूं कि कार्यफलन की परिभाषा क्या होती है, डब्ल्यू असामान्यता, इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, जिसका फार्मूला होता है एच न्यू नॉट। जब कभी आप कार्यफलन की परिभाषा लिख दें तो उसके नीचे फार्मूला लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क दे दिए जाएंगे। आप उसमें ये बता देंगे कि एच आपका प्लांक नियतांक है और ये न्यू नॉट आपका क्या है, देहली आवृत्ति है, और इसे जानते ही हैं आपकी कार्यफलन को कैसे व्यक्त किया जाता है डब्ल्यू से। मैंने ये सारी चीजें बता रखा है। अब आते हैं देहली आवृत्ति की ओर। तो हमें देहली आवृत्ति की परिभाषा कैसे देखनी है मैं बता देता हूं। वह न्यूनतम आवृत्ति, वह कम से कम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, देहली आवृत्ति कहलाती है। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, क्या है आपका, ये कोई एक पदार्थ है, प्लेट है कोई आपकी। अब इसमें मैं क्या करूंगा, प्रकाश डालूंगा तो हमारे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे। जैसे जैसे मैंने प्रकाश इस पर डाला वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने लगे। तो मतलब कम से कम जितना हम प्रकाश डालें और हमारा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता रहे, हमारा काम चलता रहे, तो उतने में ही हम प्रकाश डालें। क्यों यहाँ पर ज्यादा प्रकाश डालें भाई, जितने में हमारा काम चल रहा है उतना ही प्रकाश डालें। तो आप देहली आवृत्ति की परिभाषा बता रहे हैं, इसलिए आप कम से कम में रहें। मैंने बता दिया आपको कि कम से कम प्रकाश डालो और आपके इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता रहे तो अच्छी बात है। क्यों आप उसमें ज्यादा प्रकाश डालेंगे, तो ज्यादा प्रकाश डालने से आपकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी, आपका समय ज्यादा लगेगा। तो कम समय में जितना अच्छा काम हो सके वो और अच्छी बात होती है। इसलिए आप जितने न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश इसमें डालें और इस पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा ले, वही क्या कहलाएगा आपका, देहली आवृत्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा, देहली आवृत्ति। आप कहेंगे क्या, वह न्यूनतम आवृत्ति, कम से कम आवृत्ति, क्योंकि आप देहली आवृत्ति की परिभाषा बता रहे हैं, इसलिए आप कहेंगे वह न्यूनतम आवृत्ति, यानी वह कम से कम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से, ये मान लीजिए कोई पदार्थ है, क्या है, किसी पदार्थ से किसका, इलेक्ट्रॉनों का, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके। क्योंकि हम यहां से प्रकाश डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसलिए आप कह देंगे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का क्या करा सके, उत्सर्जन करा सके। क्या करा सके, उत्सर्जन करा सके, क्या कहलाता है, देहली आवृत्ति कहलाती है। अब यहां पर मैं देहली आवृत्ति की परिभाषा लिख लेता हूं, फिर आप लोगों से बात करता हूं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे और समझेंगे, कंसंट्रेट दिमाग से समझेंगे, आपका माइंड इधर उधर नहीं होना चाहिए, सब कुछ समझ में आएगा, 100% यहीं पे याद हो जाएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और समझ में आ जाए तो शेयर करना मत भूलिएगा। तो आपको देखिए देहली आवृत्ति की परिभाषा में कहना है वही एक के साथ एक फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, मतलब कि देहली आवृत्ति की परिभाषा आप समझिए और देहली तरंग दैर्ध्य की परिभाषा आप मुफ्त में पाइए। तो मतलब मेरे कहने का मीन्स ये है कि देहली तरंग दैर्ध्य की परिभाषा मैंने आपको बताया कि कोई एक पदार्थ है तो उस पर न्यूनतम, क्योंकि आप देहली आवृत्ति की परिभाषा बता रहे हैं इसलिए आप बोलेंगे वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से, मान लीजिए कोई पदार्थ है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन या प्रकाश डाले तो इतना प्रकाश डाले कि इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, मतलब कोई ऐसी आवृत्ति ले, इतनी कम फ्रिक्वेंसी ले, इतनी कम आवृत्ति ले कि इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हमारा करा सके, तो वही क्या कहलाएगी, हमारी देहली तरंग दैर्ध्य कहलाएगी। अब आते हैं देहली आवृत्ति कहलाएगी। अब आते हैं देहली तरंग दैर्ध्य की ओर। तो देहली तरंग दैर्ध्य में आपको पूरा वही लिखना है, क्या क्या देना है, वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य, क्योंकि आप देहली तरंग दैर्ध्य की परिभाषा बता रहे हैं इसलिए आप कह देंगे वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी पदार्थ से, अगर आपने इसे याद कर लिया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, जो वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाता है। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि इस पर न्यूनतम लिखना है, कम से कम फ्रिक्वेंसी, क्योंकि अपने इंडिया में, अपने भारत में जो फ्रिक्वेंसी यूज की जाती है वह 50 हर्ट्ज यूज की जाती है। क्या यूज की जाती है, अपने भारत में इससे ज्यादा फ्रिक्वेंसी नहीं यूज की जाती। तो मेरे कहने का मीन्स ये है कि इसमें आपको कहना है वह न्यूनतम फ्रिक्वेंसी, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, मान लीजिए ये कोई पदार्थ है तो इससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन, इतनी न्यूनतम फ्रिक्वेंसी आपको लेना है, इतनी कम आवृत्ति आपको लेना है कि इससे प्रकाश का उत्सर्जन हो सके, वही आपका क्या कहलाएगा, देहली आवृत्ति कहलाएगी। और उतना अधिक, जितना अधिक से अधिक तरंग दैर्ध्य लेना है जो किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, वही आपका क्या कहलाएगा, देहली तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। अगर वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा तो मुझे 100% उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा।
तो क्या कहना है आपको, जितना कोई पदार्थ है मान लीजिए उस पर जितनी कम से कम आप फ्रिक्वेंसी ले सके, कम से कम आप आवृत्ति ले सके और उससे प्रकाश का इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, वही आपका क्या कहलाता है, डेली आवृत्ति कहलाता है। तो बस स्टूडेंट उम्मीद करूंगा कि आपके समझ में आ चुकी होगी ये बात। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ।